الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاهتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب العلم أنواريا ايجوكيشنل سوسائٹی و جامعہ انواریا حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس بفضل ہی تعالی جاری ہے. آج کا درس مخارج سے متعلق ہے. باب مخارج الفروض, یہ فروض کے مخارج کا باب ہے. مخارج جمع ہے مخرج کی, مخرج مشتق ہے خروج سے, خروج کے معنی ہے نکلنا. خرج ہے یا خروج, خروج نکلنا, اس سے مشتق ہے مخرج. تو لغت میں اس کا معنی ہے, چونکہ مخرج اس میں ظرف مکان ہے تو لغت میں اس کا معنی ہے مخرج نکلنے کی جگہ, مخارج نکلنے کی جگہ. مخارج الفروض حصوں کے نکلنے کی جگہ. کون سے حصے؟ وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں مذکور ہے, وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں مقدر و معین ہیں, ان کے نکلنے کی جگہیں. وہ حصے جو اللہ کی کتاب میں مذکور ہیں وہ کیا ہیں؟ تو نصف ہیں, ربو ہیں, ثمن ہیں, ثلثان ہیں, ثلث ہے, سدس ہے. ان حصوں کے نکلنے کی جگہ, یہ تو مخارج کا معنی ہے لغت میں. اصطلاح میں, اہل فرائض کی اصطلاح میں مخرج کسے کہتے ہیں؟ تو اس سے پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں کہ ان کی اصطلاح میں مخرج سے مراد وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے, وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس سے اس کے تمام وارثین کو بلا قصر ان کے حصے دیے جا سکیں, تقسیم ہو سکیں. پھر سے سن لیجیے, وہ چھوٹے سے چھوٹا عدد ہے جس میں سے تمام وارثین کو بلا قصر بغیر فریکشن کے ان کے حصے دیے جا سکیں, تقسیم کیے جا سکیں, یہ ہے مخرج. مثال کے طور پہ جیسا کہ ہم نے کہا چھوٹے سے چھوٹا عدد, فرض کیجیے کہ میت نے اپنے پیچھے چھوڑا اپنے باپ کو, اپنی ماں کو اور اپنے بیٹے کو. تو باپ کے لیے سدس ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس صورت میں, ماں کے لیے بھی سدس ہے, بلیا بھائی ہے لکھ واحد مینما سدس, ماں کے لیے بھی سدس ہے اور بیٹا اسفا ہے.
ये एक मसला है। अब ये मसला, इस मसले का मखरज कौन होगा, ये मसला बनेगा किससे? तो इस मसले का मखरज 6 है। तो 6 से छठा हिस्सा निकालने में कोई दिक्कत नहीं कि 6 का छठा हिस्सा 1 होता। तो बाप के लिए 1, माँ के लिए 1, बचा हुआ 4 असबाब यानी बेटा के। तो देखिए इस मसले का मखरज 6 है, 6 से छठा हिस्सा निकल गया। 6 की जगह अगर ये मसला 12 से बने, इस मसले का मखरज 12 करार दिया जाए, तो भी हर एक वारिस का हिस्सा बिला कसर निकल जाता है। अगर मखरज 6 की जगह 12 है तो बाप को 1 की जगह 2 और माँ को 1 की जगह 2 और बेटा को 4 की जगह 8। इसी तरीके से जिस तरीके से 6 की जगह 12 मसले का मखरज करार दिए तो भी इस मसले में तमाम वारिसीन को उनके हिस्से बिला कसर बट जा रहे हैं, तकसीम हो जा रहे हैं। 12 की जगह अगर 24 रखें तो भी बिला कसर तकसीम हो जाएगा। अब 2 की जगह बाप के लिए 4, माँ के लिए 4, 4 4 8 बच गए 16 बेटे को 8 2 16। तो बिला कसर तीनों सूरत में तकसीम हो जा रहा है, बिला कसर तीनों सूरत में तकसीम हो जा रहा, मगर 6 12 24 तीनों सूरत में तरीका मैयत के वारिसीन के दरमियान बगैर कसर के बढ़ जा रहा, मगर इनमें सबसे छोटा अदद 6 है, इसलिए इस मसले का मखरज 6 ही होगा, 12 नहीं होगा। क्योंकि मखरज की तारीफ है कि मखरज वो छोटे से छोटा अदद है जिसमें से तमाम वारिसीन को उनके हिस्से बिला कसर दिए जा सकें। 6 12 24 में सबसे छोटा अदद 6 है, इसलिए इस मसले का मखरज 6 होगा। तो अगर आप इस मसले को 6 की जगह 12 से बनाएंगे या 24 से बनाएंगे तो उसूली एतबार से ये मसला गलत होगा। क्योंकि 12 या 24 सबसे छोटा अदद नहीं है जिससे बगैर कसर के तकसीम हो जाए, बल्कि सबसे छोटा अदद 6 है, इसलिए इस मसले का मखरज 6 होगा। तो आपने सुन लिया कि मखारिज लुगत में हिस्सों के निकलने की जगह नवासे, हिस्से कौन बता चुका, अल्लाह की किताब में मज़कूर हिस्से निकलने के मवाज़े जगह लुगत में और इस्तिलाह में मखरज से मुराद वो छोटे से छोटा अदद है जिसमें से तमाम वरसा को तमाम वारिसीन को उनके हिस्से बिला कसर दिए जा सकें। मुझे लगता है कि मखरज का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना आप समझ गए होंगे। ये जो मखारिज का बाब है इसको समझना और इसे याद रखना इंतहाई ज़रूरी है और इस बाब को बाबो मखारिज अल-फुरूज, इस बाब को मसाइल के हल करने में ख़ास अहमियत है, इसलिए इस बाब में जो कुछ ज़िक्र किया जा रहा है उसे गौर से आपको सुनना भी चाहिए और उसे
याद भी करना चाहिए, फिर उस पर मसाइल की प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है। तो मखरज की तारीफ आपको मालूम हुई, अब आके हम देखते हैं बाबो मखारिज अल-फुरूज। ये हिस्सों के मखारिज का बाब है। एलम अन अल-फुरूज अल-मस्कूरत फी किताबिल्लाह ताला नौआन। आपके इल्म में ये बात रहनी चाहिए कि वो हिस्से जो अल्लाह ताला की किताब में मस्कूर हैं, मुकद्दर हैं, वो कितने हिस्से मस्कूर हैं? छः। वो छः हिस्से जो अल्लाह ताला की किताब में मस्कूर और मुकद्दर हैं, नौआन, ये दो नौ के हैं, यानी कुल हिस्से जो तकसीमे मीरास के मुतालिक अल्लाह की किताब में आए हैं वो छः हैं। ये छः हिस्से दो नौ में बांटे गए हैं, दो नौ में बांटे गए हैं, दो तरह के हैं। अल अव्वल, नौए अव्वल, ये हिस्से दो नौ के हैं। अल अव्वल, नौए अव्वल, नौए अव्वल, पहली किस्म में कौन हिस्से आते हैं? निस्फ और रुबो और समुन, यानी अल्लाह की किताब में निस्फ हिस्सा आया है, रुबो आया है, समुन आया है। निस्फ आधा, निस्फ आधा, रुबो चौथाई, रुबो चौथाई, समुन आठवां हिस्सा। मिसाल के तौर पे ये एक चीज़ हमारे पास है, ये एक पूरी चीज़ हुई, इसको समझ लीजिए मैयत ने ये एक जायदाद छोड़ा, तो ये एक कामिल चीज़ है। अब अगर हम इसको दो पार्ट में कर देते हैं तो जो पार्ट आपको दिख रहा है वो निस्फ है, इस चीज़ का आधा है। तो आधा निकालने के लिए किसी चीज़ के दो टुकड़े किए तो निस्फ निकल जाता, तो ये निस्फ है, ये कुल है और ये निस्फ है। रुबो चौथा हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है ये रुबो है, चौथा हिस्सा। तो आपने देख लिया अल्लाह की किताब में निस्फ आया है, रुबो आया है, रुबो चौथा हिस्सा, देखिए वन फोर्थ। इसी तरीके से अल्लाह की किताब में आठवां हिस्सा आया है, ये आठवां हिस्सा है। आपको अगर दिख रहा है तो ये आठवां हिस्सा है। अब अगर हम पूरे को खोल लेते हैं तो ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है। यूँ हमने किया तो ये निस्फ हो गया, यूँ हमने किया तो रुबो हो गया, यूँ हमने किया तो ये समुन हुआ। समुन यानी एक चीज़ के आठ टुकड़ों में से एक टुकड़ा, एक चीज़ के आठ टुकड़ों में से एक टुकड़ा। रुबो यानी चार टुकड़ों में से एक टुकड़ा, चार टुकड़ों में से एक टुकड़ा। निस्फ दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा। तो अल्लाह की किताब में ये तीन हिस्से तो आए हैं, ये तीन हिस्से नौए अव्वल के कहलाते हैं। अलव्वल, नौए अव्वल में निस्फ है, रुबो है, समुन है। अब जैसा कि हम गुफ्तगू किए, निस्फ है, रुबो है, समुन है, देखा आपने ये निस्फ है, ये रुबो है, ये समुन है। अब ये जो निस्फ है, ये निस्फ और ये रुबो और ये समुन, जरा से देखिए तो समुन ये आधा है, आधा है रुबो का, तो समुन, समुन
आधा है रोगों का, देख लिया आपने, ये हिस्सा सिर्फ ये सुमन है, ये हिस्सा सुमन है और ये रोबो है। तो सुमन आठवां हिस्सा रोबो का, आठवां हिस्सा रोबो का आधा है। ठीक हो गई बात कि सुमन सुमन आधा है रोबो का। अब आ जाइए, ये रोबो आधा है किसका, आधा है किसका, निस्फ का। तो बात ये हुई कि सुमन सुमन आधा है रोबो का और रोबो आधा है निस्फ का। तो इनके दरमियान कैसी निस्बत हुई, तंसीफ की, कि सुमन निस्फ है रोबो का, रोबो का और रोबो निस्फ है किसका, निस्फ का। तो तंसीफ का रिश्ता हुआ। इधर से अगर आप चलिए, निस्फ रोबो सुमन, तो निस्फ दोगुना है रोबो का और रोबो ये दोगुना है सुमन का। निस्फ रोबो सुमन, निस्फ दोगुना रोबो का, रोबो दोगुना सुमन का। इधर से आप चले तो, इधर से चले तो सुमन आधा है रोबो का और रोबो आधा है निस्फ का। तो इन हिस्सों में तज़ईफ और तंसीफ का रिश्ता है। तो नवे अव्वल में कौन है, निस्फ है रोबो है सुमन है, ये बात आपको समझ पाए। वस्तानी और नौ एसानी जो हिस्से अल्लाह की किताब में आए और दो किस्में बांटे गए। दूसरी किस्म कौन से हिस्से हैं, सुलुसान है, सुलुस है और सुदुस है। सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अब इसमें भी देख लीजिए आप क्या रखा, सुदुस सुलुस सुलुसान। तो सुदुस आधा है किसका, सुलुस का। सुलुस यानी छठा हिस्सा, सुलुस यानी तीसरा हिस्सा, सुलुसान दो तिहाई। तो सुलुस आधा है सुलुस का और सुलुस आधा है सुलुसान का। तो इधर से चले आप तो तंसीफ और इधर से चलेंगे तो तज़ईफ। सुलुसान दोगुना है सुलुस का और सुलुस दोगुना है सुदुस का। तो इन हिस्सों में भी देख रहे हैं आप कि तज़ईफ और तंसीफ का इलाका है। कैसा आपने देखा, तज़ईफ और तंसीफ का इलाका है। तज़ईफ यानी बाज़ हिस्सा बाज़ के दोगुना है और तंसीफ बाज़ हिस्सा बाज़ का आधा है। तो इन हिस्सों में आपने देखा कि कैसा रिश्ता है। इनके दरमियान भी ये जो दूसरी किस्म के जो हिस्से हैं, इसमें भी तज़ईफ और तंसीफ का रिश्ता है। अब हम ये देख रहे हैं, ये एक पूरी चीज़ है, इसको इस चीज़ के हमने तीन टुकड़े किए, ये तीन टुकड़े हमने कर लिए। ये एक टुकड़ा है, ये दो टुकड़ा है और ये कुल तीन टुकड़े हैं। तो एक चीज़ के हमने तीन टुकड़े कर लिए। अब अगर इसको जस्ट हम यूँ डबल कर लें तो अब ये छह टुकड़े हो गए, एक चीज़ के छह टुकड़े। छह टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपको नज़र आ रहा है, तो ये इस पूरे पेपर का, इस पूरी चीज़ का छठा हिस्सा है, ये छठा हिस्सा है। अब देख लीजिए, ये जो छठा हिस्सा है ये सुदुस है, जो आपको दिख रहा सामने ये सुदुस है। तो सुदुस ये आधा है किसका, सुलुस का, ये पूरा सुलुस है और ये हिस्सा सुदुस है। तो सुदुस आधा है सुलुस का, देखा आपने,
कि सुदूस आधा है सुलूस का, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये इस चीज के तीन हिस्सों में से एक हिस्सा है और ये इस चीज के छह हिस्सों में से एक हिस्सा यानी छठा हिस्सा है, छठा हिस्सा। तो ये सुदूस है, सुदूस आधा है सुलूस का और सुलूस ये एक तिहाई है एक चीज का। तो क्या देखा आपने कि सुदूस आधा है सुलूस का और सुलूस ये एक चीज का तीसरा हिस्सा है। अब सुलूस की जहां तक बात है तो सुलूस भी आधा है सोलोसान का, सोलोसान ये सोलोसान है, ये जो आप देख रहे हैं ये सोलोसान, सोलोसान ये सोलोसान है, सोलोसान सुलूस ये सुलूस है। तो सुलूस आधा है सोलोसान का। तो आपको समझ में आया कि सुलूस सुलूस आधा है सुलूस का और सुलूस ये आधा है सोलोसान का, सोलोसान यानी दो तिहाई, इतनी सी बात समझ में आई। अब इनके दरमियान भी रिश्ता कैसा है तंसीफ और तजईफ का कि सुदूस आधा है सुलूस का, सुदूस आधा है सुलूस का और सुलूस आधा है सोलोसान का। तो तंसीफ इधर से चलेंगे तो तजईफ, सोलोसान दोगुना है, देखिए सोलोसान ये दोगुना है, सोलोसान दोगुना है सुलूस का, हो गई बात। और ये सुलूस ये दोगुना है सुदूस का, ये सुदूस है तो सोलोसान दोगुना है सुलूस का और सुलूस दोगुना है सुदूस का। तो इन हिस्सों में कैसा रिश्ता है तंसीफ और तजईफ, मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक जो कुछ मैं जिक्र किया उसका हासिल ये कि अल्लाह ताला की किताब में कुल हिस्से जो आए हैं वो छः हैं, इन छः को दोनों में बांटा गया है। पहली नौ में नेस्व है, रुबू है, सुमुन है और दूसरी नौ में सोलोसान है, सुलूस है, सुदूस है। पहली नौ के हिस्सों में, पहली नौ के हिस्सों में भी तजईफ और तंसीफ का रिश्ता है और दूसरी नौ के हिस्सों में भी तजईफ और तंसीफ का रिश्ता है, ये बात तो आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। वक्तानी और नौए सानी दूसरी किस्म में सोलोसान है और सुलूस है और सुलूस है, सोलोसान यानी दो तिहाई, सुलूस यानी एक तिहाई और सुदूस छठा हिस्सा। अगर तजईफ व तंसीफ, तजईफ व तंसीफ के तौर पर यानी इन हिस्सों में तजईफ की नस्बत है और तंसीफ की नस्बत है, यानी इन हिस्सों का हाल ये है नौए अव्वल में जो हिस्से हैं इसी तरीके से नौए सानी में जो हिस्से हैं, इन हिस्सों का हाल ये है कि बाज़ हिस्से बाज़ के, बाज़ हिस्सा बाज़ का आधा है और बाज़ हिस्सा बाज़ का दोगुना है। ख़त्म हुई बात। अब मसला ये है कि हम असहाबे फ़राइज़ के हालात पढ़ चुके, असबात में तरजीह के उसूल मालूम कर चुके, असबात में तरतीब हम जान चुके, ये भी मालूम हुआ कि फ़लाँ के लिए नेस्व है तो फ़लाँ के लिए रुको है, फ़लाँ के लिए सोलोसान है तो फ़लाँ के लिए सुलूस है, मगर इतना जानने के बाद भी मिसाल के तौर पे हमें ये मालूम हुआ कि मैयत ने अपने पीछे बाप को छोड़ा, माँ को छोड़ा और बेटा को छोड़ा, तो बाप के लिए सुदूस है, माँ के लिए सुदूस है, बेटा असबा है, ये तो हमने जान लिया, मगर ये कि ये हम किस तरीके से तकसीम करेंगे, किस तरीके से हम बांटेंगे, जायदाद को कितने हिस्से में करेंगे कि बराबर बराबर पड़ जाए, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। ठीक
ठीक है, ये तो समझा कि बाप के लिए छठा हिस्सा है, लेकिन जायदाद के कितने हिस्से हमें करना पड़ेंगे और उससे छठा हिस्सा हम कैसे निकालेंगे, ये एक मसला है। उसी मसले का सलूशन आज के सबक में है, उसी मसले का हल आज के सबक में है। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे अहम बात, आप जब मसला बना रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मैयत के वारिसीन कौन कौन हैं। तो जैसा कि आप मैयत का एक निशान खींच देते हैं और उस निशान के नीचे मैयत के वारिसीन लिखते हैं, मसलन बाप है, माँ है, बेटी है या बेटा है, इसे आप लिख देते हैं। लिखने के बाद जो हालात पड़ चुके, उन हालात की रोशनी में आपको ये मालूम हो जाता कि बाप के लिए इतना हिस्सा है, मसलन छठा हिस्सा है यहाँ, माँ के लिए इतना हिस्सा है, छठा हिस्सा है, बेटा के लिए बचा हुआ इतना है। ये तो पढ़े हुए हालात की रोशनी में आप जान गए। मगर अब जायदाद के कितने हिस्से किए जाएंगे, के तमाम वारिसीन को बगैर कसर के उनका ठीक ठीक हिस्सा मिल जाए, तो उसके लिए ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी मसला जो आपके सामने आ रहा है उसमें ये देखिए कि उस मसले में हिस्सा, यानी हिस्सों में से हिस्सा, हिस्सों में से उन हिस्सों में से जो अल्लाह की किताब में आए हैं, तो आपको ये देखना है कि जो मसला हमारे सामने है उस मसले में जो हिस्सा है, तो ये देखना है कि उस मसले में एक हिस्सा है या एक से ज़ायद है। क्या आपको गौर करना है, आपके सामने कोई मसला आया है तो आपको ये देखना है कि इस मसले में एक हिस्सा है या एक से ज़ायद हिस्से हैं, एक हिस्सा है या एक से ज़ायद हिस्से, दो हिस्से या तीन हिस्से हैं, बस में तो आपको ये देखना होगा पहली फुर्सत में। तो मैं इसे कई बार तकरार करूँगा क्योंकि तकरार की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र करना पड़ेगा कि एक मसला जो आपके सामने है उस मसले में सिर्फ एक हिस्सा है या एक से ज़ायद हिस्सा है। अगर मसले में एक हिस्सा है तब तो बहुत आसान है, तब बहुत आसान है, तब मसला बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, अगर सिर्फ एक हिस्सा है तो खूब याद रखिए कुछ भी परेशानी नहीं है, उस मसले का मखरज जो हिस्सा आया है उसी हिस्से का हमना मदद हो जाएगा, उसी हिस्से का हमना मदद होगा सिवाय निस्फ के। क्या कहा, किसी भी मसला में सिर्फ एक हिस्सा आया है तो उस मसले का मखरज उसी हिस्से का हमना मदद होगा सिवाय निस्फ के, सिवाय निस्फ के। इस पर हम गुफ्तगू कर लेंगे। हम मिसाल के तौर पे एक मसले में सिर्फ एक हिस्सा सदूस आया, जैसे मैयत ने अपने पीछे छोड़ा अपने बाप को और बेटा को, इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा है, अब आपके लिए छठा हिस्सा, बेटा वो तो असबा है, उसका टेंशन नहीं लेना, बचेगा तो मिलेगा, असबा का ये हाल होता। तो इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया, कौन, सदूस, इसका हम नाम छठा हिस्सा, इसका हम नाम कौन सा अदद है, छ, छठा हिस्सा आया, इसका हम नाम मदद छः। तो खूब याद रखिए मसले में सिर्फ एक हिस्सा,
तो मसले का मखरज उसी हिस्से का हमना मदद, जैसे छठा हिस्सा आया तो इसका हमना मदद छः है। इस बात को आप समझ गए, छठा की जगह अगर एक तिहाई आ गया तो उसका हमना मदद तीन है, सुलुस एक तिहाई यानी थलासा तीन। तो अगर किसी मसले में एक हिस्सा आया हो सुलुस, तो इस मसले का मखरज क्या होगा? थलासा होगा। मिसाल के तौर मैयत ने अपने पीछे छोड़ा अपनी माँ को और अपने बाप को, बाप इस मसले में असबाह है, उसके बारे में सोचना नहीं, माँ उसके लिए क्या है सुलुस, तो इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया क्या सुलुस। और मसले में अगर सिर्फ एक हिस्सा आए तो मसले का मखरज कौन होगा? उसी हिस्से का हमना मदद। तो इस मसले में सुलुस हिस्सा आया तो आप खुद बताइए कि इस मसले का मखरज कौन होगा? सुलुस यानी तिहाई, उसका हमना मदद कौन है? सलासा यानी तीन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी मसला में सिर्फ एक हिस्सा हो तो मसले का मखरज कौन होगा? उसी हिस्से का हमनाम अदद होगा, सिवाय निस्फ के, अभी निस्फ को लेते हैं। तो अगर एक हिस्सा सुलुस है तो मसले का मखरज छः होगा, और अगर सुलुस या सुलुसान है तो मसले का मखरज तीन होगा। सुमुन है आठवां हिस्सा तो उसका हमनाम अदद आठ है, तो आठ मसले का मखरज होगा। रुबो है चौथाई, उसका हमना मदद चार है, तो मसले का मखरज चार होगा। तो किसी भी मसले में सिर्फ एक हिस्सा है तो मसले का मखरज उसी हिस्से का हमना मदद होगा, सिवाय निस्फ के। मसले में सिर्फ एक हिस्सा है मगर वो हिस्सा निस्फ है, तो अब मसले का मखरज कौन होगा? दो होगा, क्योंकि दो से निस्फ बड़े आराम से एक चीज़ के दो टुकड़े किए, जैसा कि आपने देखा ये एक चीज़ थी, इस एक चीज़ के आपने दो टुकड़े कर दिया, दो टुकड़े से आप देखिए निस्फ बड़े आराम से निकल गया, निस्फ बड़े आराम से निकल गया। तो मसले में अगर एक हिस्सा हो और वो हिस्सा निस्फ है तो मसले का मखरज क्या होगा? दो होगा। मिसाल के तौर पे मैयत ने अपने पीछे छोड़ा किसको? अपने शौहर को और अपने चचा को। इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया ज़ौज, चचा की जहाँ तक बात है तो वो असबा है। एक हिस्सा आया है कौन? ज़ौज, और ज़ौज के लिए क्या है? निस्फ है। ज़ौज के लिए निस्फ है, तो इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया निस्फ, तो इस मसले का मखरज क्या होगा? दो होगा। आपको ये बात समझ आए तो मखारिज के उसूल आप समझना चाह रहे थे। अगले सबक में, इसके जस्ट आगे वाले सबक में, मैं आपके सामने बयान करूंगा कि कुल मखारिज फुरूज सात हैं। अगले सबक में बयान करूंगा। अब ये जो सात मखारिज हैं, बस में इसके लिए उसूल क्या है, तो अभी एक असल आपके सामने रखा मैं, क्या कि अगर किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा है, किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा है तो ऐसी सूरत में मसला में अगर सिर्फ एक हिस्सा है तो ऐसी सूरत में मसले का मखरज कौन होगा? उसी हिस्से का हमना मदद होगा, सिवाय निस्फ के, कि निस्फ का मखरज तो होता। एक असल तो मखरज के ताल्लुक से आपको मालूम हो गया। आपके सामने बड़ा सवाल ये था कि हम तो हालात जान गए, हिस्से मालूम हो गए वारिसी के, मगर मसले का मखरज कौन होगा, मखरज मसला कौन सा अदद होगा? तो एक कानून आपने सुना कि अगर सिर्फ एक हिस्सा है तो मसले का मखरज उसी हिस्से का हमना मदद होगा। ये तो गुफ्तगू थी इस बात के ऊपर कि मसले में एक हिस्सा, कभी मसले में एक से ज्यादा हिस्से भी होते हैं, कभी दो हिस्से भी होते हैं, कभी तीन हिस्से भी हो सकते हैं। तो अगर मसले में दो हिस्से
या तीन हिस्से हों तो मसले का मखरज क्या होगा? तो ज़रा तफसील है, थोड़ा संजीदगी से सुनिए। अगर किसी मसले में एक से ज़ायद हिस्से हैं तो आपको सबसे पहले तो ये गौर करना पड़ेगा कि ये हिस्से एक नाव के हैं या दो नाव के। एक नाव या दो नाव में कहाँ से बोल रहा हूँ, अभी सुन चुके हैं कि अल्लाह की किताब में जो हिस्से आए हैं उसको दो नाव में बांटा गया है। नाव अव्वल में कौन है? निस्फ है, रुबू है, सुमून है, ख़त्म। नाव सानी में कौन है? सुलुसान है, सुलुस है, सुलुस है। तो देख लिए। तो अब अगर किसी मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं, एक से ज़ायद हिस्से किसी मसले में आए हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि ये जो एक से ज़ायद हिस्से आए हैं ये नवे अव्वल के हैं या नवे सानी के। यानी ये देखना है एक नव के हैं, यानी सारे हिस्से एक से ज़ायद जो आए हैं या तो नवे अव्वल के हैं या नवे सानी के। जितने भी हिस्से आए हैं वो एक नव के हैं, समझ रहे हैं, खा नवे अव्वल के सब हों या नवे सानी के सब हों। एक से ज़ायद हिस्से किसी मसले में आए हैं, एक हिस्से वाली बात ख़त्म हो चुकी, एक से ज़ायद हिस्से किसी मसले में आए हैं तो आपको गौर ये करना है कि ये हिस्से एक नाव के हैं या अलग अलग नाव के हैं। अगर एक नाव के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कि आप देखिए एक से ज़ायद हिस्से हैं और ये एक नाव के हैं, एक नाव के, खास वो नवे अव्वल के हों या नवे सानी के, एक नाव के हैं। तो ऐसे वक्त में मसले का मखरज क्या होगा? तो जवाब ये है कि इस मसले में वारिसीन को जो हिस्से मिले हैं उन हिस्सों में आपने देख लिया कि ये एक नाव के हैं, मगर एक बार फिर इन हिस्सों में नज़र कीजिए कि इन हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। थोड़ी देर के लिए फर्ज कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए मिसाल देकर के हम समझाएं। एक हिस्से में आए हैं सुलुसान, सुलुस और सुदुस। सुलुसान, सुलुस और सुदुस, थोड़ी देर के लिए फास कर लीजिए। और ये सुलुसान, सुलुस, सुदुस एक नाव के। तो इस मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं और वो एक नाव के हैं। तो आपका सवाल ये था कि एक नाव के एक से ज़ायद हिस्से हो तो मसले का मखरज कौन होगा? तो मैं कहा आपको देखना पड़ेगा कि ये इन जो हिस्से मिले हैं इन हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा कौन है। सुलुसान, सुलुस, सुलुस, सुलुसान, सुलुस, सुलुस, बताइए इसमें सबसे छोटा हिस्सा कौन है? सुलुस। जैसा कि आप देखे थे कि अगर हमने इनके तीन टुकड़े किए थे तो सुलुस ये एक छोटा सा टुकड़ा था। तो सबसे छोटा टुकड़ा कौन? सुलुसान, सुलुस, सुदुस, सबसे छोटा हिस्सा कौन है? सुदुस। तो अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं, किसी मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं, किसी मसले में अगर एक से ज़ायद हिस्से आए हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि ये एक नाव के हैं या मुख्तलिफ नाव के हैं। अगर एक नाव के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक नाव के ये हिस्से हैं तो फिर एक बार ये देखना पड़ेगा कि एक नाव के हैं तो बहुत खूब हैं, मगर इसमें सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। जो सबसे छोटा हिस्सा होगा
चाहे एक हिस्सा हो, चाहे दो हिस्सा, चाहे तीन, मगर इन हिस्सों में जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसी हिस्से का हम नाम अदद उस मसले का मखरज होगा। मसलन मिसाल के तौर पे सोलोसान सोलुस, सोलोसान सोलुस सोलुस, इसमें सबसे छोटा हिस्सा सोलुस है, इसका हम नाम अदद छः है मिसाल के तौर पे, तो इस मसले का मखरज क्या होगा? छः होगा। अब जब इन हिस्सों के मसले का मखरज छः करार देंगे तो छः से सदुस निकल जाएगा, छः का सदुस एक होता है, जिसके लिए सदुस है वो एक ले लेगा, मसलन मिसाल के तौर पे सदुस भी निकल जाएगा, छः का एक तिहाई दो होता ये भी निकल जाएगा, सोलोसान छः का दो तिहाई चार होता, दो दूना चार होता। तो आपको समझ में दूसरा कानून भी आ गया, दूसरा कानून भी आ गया। क्या दूसरा कानून था? कि अगर अगर किसी मसला में एक से, प्रैक्टिस अभी करेंगे, पहले आप सुन लीजिए, अगर किसी मसला में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक नौ के हैं या दो अलग नौ के हैं। अगर एक नौ के हैं तो बहुत खूब, ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक नौ के हैं तो एक बार फिर देखना पड़ेगा इन हिस्सों में सबसे छोटा हिस्सा कौन है। जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसी का हम नाम अदद उस मसले का मखरज होगा। मिसाल के तौर पे अब इसे समझ लीजिए कि एक मसले में निस्फ है और समून है, एक से ज़्यादा हिस्से आ गए मगर निस्फ और समून एक नौ के हैं, तो एक से ज़ायद हिस्से एक नौ के आए तो मसले का मखरज क्या होगा? मसले का मखरज क्या होगा, समझ रहे हैं? तो उस सिलसिले में बता चुके कि देखना पड़ेगा कि एक नौ के तो सबसे छोटा हिस्सा कौन है? निस्फ है, समून है, तो इसमें छोटा हिस्सा समून है, इसी का हम नाम अदद मसले का मखरज होगा, यानी इस मसले का मखरज आठ होगा। आठ से समून निकल जाएगा, आठवां हिस्सा एक होगा, आठ से निस्फ भी निकल जाएगा, आठ का निस्फ आधा चार होता। तो दो उसूल तो आपको समझ में आ गए मखरज के, कि मसले का मखरज, मखरज मसले मसला के लिए क्या उसूल है। तो दो उसूल आपको समझ में आ गए होंगे, क्या तीन और बताना है? दो उसूल क्या? अगर किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा है सिवाय निस्फ के तो उस मसले का मखरज उसी हिस्से का हम नाम अदद होगा, ये पहला कानून मखरज ये मसला के ताल्लुक से। दूसरा कानून, एक से ज़ायद हिस्से आए हैं किसी मसले में और ये एक नौ के हैं तो ऐसी सूरत में मखरज मसला कौन होगा? मखरज मसला सबसे छोटे हिस्से का हम नाम अदद होगा, ये दूसरा कानून था मखरज मसाला के मुताबिक। अब तीसरा, चौथा और पांचवा, एक से ज़ायद हिस्से किसी मसले में आए हैं और ये हिस्से एक नाव के नहीं हैं, दो अलग नाव के हैं, यानी कोई हिस्सा नाव या अव्वल का है एक या दो, और कोई हिस्सा नाव या सानी का है एक या दो, तो नाव या अव्वल का भी, तो एक मसले में जो हिस्से आए हैं वो एक नाव के नहीं हैं, नाव या अव्वल के भी हिस्से हैं, नाव या सानी के भी हिस्से हैं। अगर नौ या अव्वल के हैं तो वो सॉल्व कर चुके हैं, उसके लिए दो कानून नंबर दो बता चुके। तो एक मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं, मसलन दो या तीन का हिस्से आए हैं, और हाल ये है कि ये हिस्से जो आए हैं, दो या तीन या चार हिस्से आए हैं एक मसले में, और ये एक नौ के नहीं हैं बल्कि ये दो अलग अलग नौ के हैं, तो अब मसले का मखरज कौन होगा, इसके लिए क्या कानून? तो ये भी बात आसान है, वो ये है कि नौ अव्वल के हिस्से आपके जहन में है निस्फ रुबो और समून। तो आपका सवाल क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है,
कि एक मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं और ये एक नौ के नहीं दो अलग अलग नौ के हैं, तो अब मसले का मखरज क्या होगा, इस सिलसिले में क्या कानून है? तो सुनिए, इस सिलसिले में आपको देखना पड़ेगा कि नौए अव्वल का कौन है, निस्फ है या रुबू है या सुमू है। एक मसले में दोनों नौ के हैं मगर नौए अव्वल का कौन है, निस्फ है या रुबू है या सुमू है। सुन लीजिए, अगर नौए अव्वल का निस्फ है और नौए सानी का कुल है या बाज है, कुल यानी सुलुसान भी है, सुलुस भी है, सुलुस कुल या बाज है, सुलुस है, सुलुस है मसलन, या सुलुस है और सुलुसान है मसलन, तो आपको क्या देखना है? जब किसी मसले में दो से ज़ायद हिस्से आए हैं, एक से ज़ायद हिस्से आए हैं किसी भी मसले में, और ये एक नौ के नहीं हैं, दो अलग नौ के हैं, तो आपको क्या देखना है? ये देखना है कि नौवे अव्वल का कौन है, निस्फ है या रुबू है या समून है, ये देखना है आपको। अगर नौवे अव्वल का निस्फ है और नौवे सानी का कुल है या बाज है, सुलुसान सुलुस सुदुस सब है या बाज है, सिर्फ सुलुस है या सिर्फ सुदुस है या सिर्फ सुलुसान है या सुलुसान और सुदुस है या सुलुस और सुदुस है, तो नौवे अव्वल का निस्फ और नौवे सानी का कुल या बाज है, तो मसले का मखरज छः होगा। कानून नंबर तीन, दो की तफसील क्या? अगर किसी मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं और वो दो अलग अलग नौ के हैं, तो हमें ये देखना कि नौ अव्वल का निस्फ है या रुबू है या समून है। अगर निस्फ हो, कानून नंबर तीन, अगर निस्फ है नौ अव्वल का और नौ सानी का कुल है या बाज, तो मसले का मखरज छः होगा। कानून नंबर तीन था। कानून नंबर चार, अगर नौए अव्वल का रुबू है और नौए सानी का कुल है या बाज है, तो मसले का मखरज बारह होगा। कानून नंबर चार था। कानून नंबर पाँच, अगर नौए अव्वल का समून है, नौए अव्वल का समून है और नौए सानी का कुल है या बाज है, तो मसले का मखरज चौबीस होगा। मखरज के मुताबिक ये पाँच कवानीन थे, इन्हें अगर आप समझ करके महफूज कर लेंगे तो मसला के मखरज के मुतय्यन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब मसले का मखरज सही तरीके से आपको मालूम होगा, समझ लें, और ये हालात आपको मालूम है, तो फिर तकसीम आप तरीका की तकसीम दुरुस्त तरीके से कर पाएंगे। ये तो पांच उसूल थे, ये तो पांच उसूल थे, किसके ताल्लुक से, किस ताल्लुक से? मखरज मसअला के लिए पांच कानून थे, जिन पांच कवानीन को इंतहाई तफसील के साथ मैं आपके सामने रखा। हाँ, तो आपने सुना कि मखरज किसे कहते हैं, मखरज की तारीफ आपको मालूम हुई और ये मालूम हुआ कि कुल मखारिज सात हैं, और ये बात तो अगले सबक में आ रही है, मगर मखारिज के लिए कुल पांच कानून हैं, पांच उसूल हैं, पांचों उसूल मैं आपके सामने रख चुका बड़ी तफसील के साथ। अब इन उसूल पर कुछ मसाइल की प्रैक्टिस करते हैं।
ये एक मसला हमारे सामने, इसमें वारिसीन है माँ बेटी पोती चचा। अब इस मसले का मखरज क्या होगा? तो आप पढ़ चुके, औलाद की मौजूदगी में माँ के लिए सुदुस है, सुदुस है, बेटी के लिए निसफ है, पोती के लिए इस हालत में सुदुस है, और ये असबा है। ये तो आप पढ़ चुके हैं। अब इस मसले का मखरज क्या होगा, इस मसले का मखरज क्या होगा? ये जो हिस्से हैं, सुदुस है, निसफ है, सुदुस है, ये किससे निकलेगा? तो सवाल ये है कि ये जो हिस्से हैं, ये जो हिस्से हैं, इन हिस्सों का मखरज, तो मखरज वो अदद होना चाहिए, वो छोटे से छोटा अदद होना चाहिए जिससे तमाम वारिसीन के हिस्से बग़ैर कसर के पूरे अदद में निकल आए। तो मसला है, ये है मसला। इस मसले का मखरज क्या होगा? तो मखरज ये जो हमने लिखा है, ये जो लिखा हमने, ये छः इस मसले का मखरज है। थोड़ी देर के लिए हम निशान देख के बताते हैं, ये है मखरज, मसले का मखरज। देखिए, इससे इसके जितने भी वारिसीन हैं उनके हिस्से पूरे अदद में, टूट फूट के सालिम अदद में, इसको सुदुस देना, छः का सुदुस एक होता है, ठीक है। बिंत को निसफ देना है, छः का निसफ तीन होता है, इसको सदुस देना है, छः का सदुस एक होता है, एक तीन चार एक पाँच, बचा हुआ एक असबा को चला जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जितने भी वारिसीन हैं इस मैयत के, जितने भी वारिसीन माँ बेटी पोती चचा, हर एक वारिस को उसका हिस्सा बग़ैर कसर के पूरे अदद में, ये पूरा आदत है, टूट फूट नहीं, डेढ़ साढ़े तीन सवा तीन पौने चार ऐसा नहीं है, साली मदद में हर एक वारिस को उसका हिस्सा मिल गया कसर के बग़ैर। लिहाजा ये इस मसले का, छः इस मसले का मखरज है। आपने देख लिया, छः इस मसले का मखरज है। अब आपको ये समझना है कि अगर छः की जगह, छः इस मसले का, छः की जगह अगर हम थोड़ी देर के लिए बारह से मसले को बनाते हैं, बारह से मसले को बनाएं, तो भी बग़ैर कसर के सबको मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? बारह का सदुस दो होता है और बारह का निसफ छः होता है, बारह का सदुस दो होता है, दो होता है। तो देखिए, बारह से भी बनाया, बारह से भी इस मसले को हमने बनाया, तो ऐसी सूरत में क्या है, बारह से भी बनाने की सूरत में हर एक वारिस को उसका हिस्सा कसर के बग़ैर मिल गया। बारह की जगह अगर हम इस मसले को चौबीस से बनाएं, बारह की जगह चौबीस से भी बनाएं, तो हर एक वारिस को उसका हिस्सा बग़ैर कसर के मिल जाता है। चौबीस का सदुस चार होता है, चौबीस का निसफ बारह होता है, चार होगा, चार होगा, चार चार आठ, बारह आठ बीस, चार चौबीस। तो आपने देखा कि ये मसला, छः से अगर हम बना रहे हैं तो भी हर एक वारिस को उसका हिस्सा बग़ैर कसर के मिल जा रहा, मिल जा रहा है, एक तीन एक एक। बारह से बनाया तो भी हर एक वारिस को उसका हिस्सा बग़ैर कसर के मिल जा रहा है, चौबीस से बनाया तो भी हर एक वारिस को उसका हिस्सा बग़ैर कसर के मिल जा रहा है, ये आपने देखा। मगर ये सही है कि छः से भी सदुस निसफ सदुस निकल जा रहा है, बारह से भी निकल रहा है, चौबीस से भी निकल रहा है,
तो क्या इस मसले का मखरज जिस तरीके से 6 हो सकता, 12 और 24 भी हो सकता है, ये एक सवाल है। और अगर 6 की जगह 12 या 24 को मसले का मखरज हम करार दें तो क्या हमारा ये फेल दुरुस्त है? जवाब, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों क्यों दुरुस्त नहीं है? इसलिए कि मखरज अहले फ़राइज़ की इस्तिलाह में वो छोटे से छोटा अदद है, छोटे से छोटा अदद है। 24, 12, 6 में 24 छोटे से छोटा अदद नहीं है, 12 सबसे छोटा अदद नहीं है, बल्कि 6 छोटे से छोटा अदद है। इसलिए इस मसले का मखरज न 12 होगा न 24 होगा, बल्कि इस मसले का मखरज क्या होगा? 6 ही रहेगा। तो अगर आप 12 और 24 करार देते हैं तो ये मसला गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि मखरज छोटे से छोटे अदद को कहते हैं, और 6 और 12 और 24 में 6 सबसे छोटा है, 12 24 छोटा नहीं है। इसलिए इस मसले का मखरज कौन होगा? 6 होगा, 12 नहीं होगा, 24 नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप मखरज मसला समझ गए। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या है मखरज के लिए, गुफ्तगू मखरज में चल रही है। मखरज के लिए 5 उसूल। पहला कानून क्या बताया कि किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा आए, किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा आए। किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा है। देखिए ये एक मसला है, इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा माँ, माँ के लिए सुदुस है, सुदुस है, ये तो असबा है, ये असबा। तो इस मसले में सिर्फ एक हिस्सा आया, तो पहला कानून अगर किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा आए तो मसले का मखरज कौन होता? उसी हिस्से का, उसी हिस्से का हमना मदद, छठे का हमना मदद 6 है, तो इस मसले का मखरज 6 होगा। 6 का सुदुस 1 होता, माँ के लिए 1 है, जो बचा हुआ है वो असबा को मिलेगा। तो ये पहला कानून था मखरज के मुतालिक कि किसी मसले में सिर्फ एक हिस्सा है तो मसले का मखरज क्या होगा? उसी हिस्से का हमनाम अदद होगा। अब अगर किसी मसले में एक से ज़्यादा हिस्से आए हैं, तो एक से ज़्यादा हिस्से आए हैं, तो आपको ये देखना है कि ये ज़्यादा हिस्से एक नौ के हैं या एक से ज़्यादा नौ, एक नौ, एक से ज़्यादा नौ, यानी एक नौ के हैं या दो नौ के। अगर एक नौ का हो, अगर एक नौ का हो, जैसे ये एक मसला है, मैयत ने अपने पीछे छोड़ा अपनी माँ को और दो बहनों को और चचा को, तो माँ के लिए इस सूरत में क्या है? सुदुस है। किसी भी तरह के दो भाई बहन हो तो माँ के लिए सुदुस है। बहन के लिए क्या है? सोलोसान। दोनों बहनों के लिए दो सुलुस। ये असबा क्या, चचा क्या है? असबा है। तो इस मसले में देखिए आप, दो हिस्से आए, एक छठा हिस्सा, एक दो तिहाई। तो क्या कहा मैं? अगर किसी मसले में दो हिस्से आए तो सबसे पहले ये देखिए कि एक नौ के हैं या दो अलग नौ के। तो सुदुस और सोलोसान ये एक नौ के हैं, ये एक नौ के हैं दोनों। क्यों? नौ सानी में है सोलोसान, सुलुस और सुदुस, ये एक नौ के हैं। एक नौ के हों तो ऐसी सूरत में आपका सवाल ये था कि किसी मसले में एक से ज़्यादा हिस्से आए और वो एक नौ के हों, तो ऐसी सूरत में मसले का मखरज
क्या होगा, तो उसके उसका जवाब दे दिया है कि मसले का मखरज कौन होगा, मसले का मखरज क्या होगा, तो आपको हिस्सों में देखना पड़ेगा सबसे छोटा हिस्सा कौन है। सदुस एक हिस्सा है, सुलुसान एक हिस्सा, इसमें सबसे छोटा हिस्सा सदुस है। तो एक नाव के हैं, अगर हिस्से एक नाव के हैं, कई हिस्से आए हैं एक नाव के हैं, तो इसमें जो सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा हिस्सा है, उसी हिस्से का हम नाम अदद मसले का मखरज होगा। तो ये सबसे छोटा हिस्सा सदुस है, इसका हम नाम अदद छठा है, इसका हम नाम अदद छः है। तो इस मसले का मखरज क्या होगा, इस मसले का मखरज छः होगा। देखिए, छः से सदुस निकल गया, छः का सदुस एक होता है, छः का दो सदुस चार होता है, यानी एक बहन को दो, एक बहन को दो, एक दो तीन, दो पाँच, बचा हुआ एक असबा को। तो ये बात समझ में आई कि अगर किसी मसले में एक से ज़ायद हिस्से आए हैं और ये एक नाव के हैं, तो ऐसी सूरत में मसले का मखरज सबसे छोटे हिस्से का हम नाम अदद होगा। ये तो आपने देख लिया। ये किस बिना पर गुफ्तगू थी कि एक नाव के, एक से ज़ायद हिस्से एक नाव के हैं। दो कानून हो गया मखरज के मुतालिक, दो कानून की हमने प्रैक्टिस कर ली। अब अगर ऐसा हो कि एक मसले में एक से ज़्यादा हिस्से आए हैं और वो एक नाव के नहीं है, दो अलग अलग नाव के, तो फिर तो अब ऐसी सूरत में आपको देखना पड़ेगा कि नाव अव्वल का कौन है, निस्फ है या रुबो है या समुन है, ये देखना पड़ेगा। मसलन हम एक मसला लिखते हैं, पहले एक बार उसी की और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ओम ओत 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 ले ओम ये मसला है। मैयत अपने पीछे किसको छोड़ा, अपनी माँ को, अपनी दो बहन को और अपनी दो अख्याफी बहन उख्त ले उम को। तो इस सूरत में माँ के लिए क्या है, सदुस है, किसी भी तरह की दो बहन हो तो सदुस, और दो बहनों के लिए क्या है, सोलोसान है, दोनों के लिए सोलोसान है, और इन दो बहनों के लिए क्या है, अल्लाती बहन के लिए सुलूस है। देखिए, तो ये एक मसला है, इस मसले में तीन हिस्से आए हैं, सुदुस, सुलुसान, सुलुस, और ये तीनों हिस्से एक नाव के नौ सानी के हैं। तो आपका सवाल ये था कि मसले का मखरज क्या होगा, मेरा जवाब, जो सबसे छोटा हिस्सा है वो सुदुस है, यहाँ पर उसी का हम नाम अदद इस मसले का मखरज होगा। तो इस मसले का मखरज हो जाएगा छः, छः का सदुस एक होता है, छः का दो सदुस चार होता है, और दो उख्त ले उम हो तो उसके लिए सुलुस है, छः का सुलुस दो होता है। तो हो गए एक दो तीन, दो पाँच, एक छः, एक सात, मसले का मखरज छः था, ऑल होकर के सात हो गया, ऑल होकर ये हो गया सात। तो अब इसको लिखेंगे ऐसा, सात कहेंगे ये ऑल क्या है, अगले सबक में इसके जस्ट बाद ऑल का बयान आ रहा, वहाँ समझाएंगे। अभी हमको सिर्फ इतना समझाना है कि अगर किसी मसले में कई हिस्से आए और एक नाव के हों, जैसे कि इस मसले में
तीन हिस्से आए हैं और तीनों के तीनों एक नौ के हैं, तो ऐसी सूरत में इस मसले का मखरज सबसे छोटे हिस्से का हमना मदद छः है, छः से मसला बनेगा, मखरज छः हुआ, छः से हिस्सा बटा माँ के लिए ए सदुस और इनके लिए यानी बहन दो बहनों के लिए दो सलुस और दो अख़ियाफ़ी बहन के लिए सलुस, इस तरीके से मसला सोल्व हुआ, दो कानून हो गए। अब हमारे सामने मैयत ने अपने पीछे किसको छोड़ा, अपने शौहर को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा और अपनी दो हकीकी बहन को छोड़ा, ये दो हकीकी बहन को छोड़ा और दो अख़याफ़ी बहन को छोड़ा। अब देखिए ज़ौज के लिए यहाँ पर क्या है, निस्फ है। हालात आप पढ़ चुके हैं, क्यों निस्फ है वो बताने की ज़रूरत। माँ के लिए क्या है इस सूरत में, सदुस है, ये बात आपको पहले से मालूम है। दो हकीकी बहनों के लिए क्या है, सुलुसान है। दो अख़याफ़ी बहन के लिए क्या है, सुलुस है, ये आपने देख लिया। तो अब क्या है इस मसले में, एक से ज़्यादा हिस्से हैं, निसफ, सदुस, सुलुसान, सुलुस, और ये हिस्से एक नौ के नहीं हैं बल्कि दो अलग, नौ अव्वल का निसफ है, ये नौ अव्वल का निसफ है और ये नौ सानी के ये तीनों हैं, सदुस है, सुलुसान है, सुलुस है, ये नौ सानी। तो तीसरा कानून आप सुनिए कि अगर किसी मसले में नौ अव्वल का निसफ नौ सानी के कुल के साथ हो, जैसे कि यहाँ पर है, या बास के साथ हो, तो मसले का मखरज कौन होगा, छः होगा। ये याद रखिए, क्या कहा कि किसी मसले में नौ अव्वल का निसफ नौ सानी के कुल या बास के साथ जमा हो तो मसले का मखरज छः होता, ये तीसरा कानून। तो निसफ शौहर को मिल जाएगा, छः का निसफ तीन होता है, सदुस माँ को मिलेगा, छः का छठा हिस्सा एक होता है, और दो सुलुस दो हकीकी बहन को मिलेगा, छः का दो सुलुस कितना होता है, चार होता है, और एक सुलुस दो अख़याफ़ी बहन को मिलेगा, छः का एक सुलुस दो होता, दो दो चार दो छः। अब जब हम जोड़ते हैं पूरे को, मसला तो छः से बना, मखरज छः है, तीन एक चार, चार आठ एक दस, तो ये ऑल हो जाएगा दस से, गोया कि अब हमारा मसला छः से नहीं बन कर करके दस से बना है। ये ऑल कहाँ से निकल के आया, ऑल क्या चीज़ है, अगले दर्स में ऑल का बयान आ रहा है, अभी हमें ऑल को नहीं समझाना, अभी सिर्फ ये समझाना है कि तीसरे कानून में कि नौ अव्वल का निसफ नौ सानी के कुल के साथ जमा हो तो ऐसी सूरत में मसले का मखरज क्या होगा, छः होगा। इसी तरीके से बास के साथ भी जमा हो तो मसले का मखरज क्या होगा, छः होगा। बास के साथ देखना है तो आप इसको उड़ा दीजिए, तो नौ अव्वल का निसफ नौ सानी के बास के साथ जमा हुआ तो भी मसले का मखरज वही छः रहेगा। हाँ, मगर अब बदलेगा, छः छः का निसफ इसको दिया, सदुस इसको दिया, इसको दिया, अब तीन एक चार और चार आठ, दस की जगह आठ हो जाएगा, दस की जगह आठ हो जाएगा।
और बाँस को अगर कम करना आपने देख लिया 10 की जगह 8, अगर और छोटा करना है तो इसको भी निकाल दीजिए आप, तो नौ अव्वल का निस्प नौ सारी के बाँस के साथ जमा हो रहा है। तो देख लीजिए शौहर के लिए निस्प है, इसके लिए 2 सलूस है, 6 का निस्प 3 होता है और 6 का 2 सलूस 4 होता है, फिर भी ऑल हुआ 4 3 7। देख लिया आपने, क्या देखा आपने कि नौए अव्वल का निस्प नौए सानी के कुल के साथ हो या बास के साथ हो तो ऐसी सूरत में मखरजे मसला 6 होगा, इसको आपने देख लिया। ये तीसरा कानून था, अब हम चौथे कानून की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम चौथे कानून की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस मसले में क्या है, इस मसले में क्या है, मैयत ने किसको छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, 2 हकीकी बहनों को छोड़ा और 2 अल्लाती बहनों को छोड़ा, ये इस मसले में है, 2 अख्याफी बहनों को छोड़ा। तो जौजा के लिए यहाँ रोबो है, ये तफसील आप पढ़ चुके हैं, इस बात के पीछे मैं नहीं पढ़ूँगा, रोबो है। माँ के लिए यहाँ सुदुस है, क्यों सुदुस है ये आप पढ़ चुके हैं, इसके पीछे नहीं जाऊँगा। 2 बहनों के लिए क्या है, सोलोसान है, क्यों सोलोसान है ये भी पढ़ चुके हैं आप। 2 अख्याफी बहन के लिए सुलूस है, तो इस मसले में 1 से ज़ायद हिस्से हैं और ये 1 नौ के नहीं हैं, 2 अलग, ये नौए अव्वल का है और ये नौए सानी के हैं, ये नौए सानी के हैं। और ये नौए अव्वल का है, देख लिया आपने। तो नौए अव्वल का रुबो निस्फ में तीसरा कानून था, नौए अव्वल का रुबो नौए सानी के कुल के साथ जमा हो, सो दो सोलोसान सोलोस कुल के साथ जमा, तो नौए अव्वल का रुबो नौए सानी के कुल के साथ अगर जमा हो या बास के साथ जमा हो तो मसले का मखरज 12 होता है। खूब याद रखिए के नौए अव्वल का रुबो नौए सानी के नौए अव्वल का रुबो नौए सानी के कुल के साथ जमा हो तो मसले का मखरज 12 होगा, ये याद रखिए, ये चौथा कानून था मखरज के मुतालिक। तो 12 का रुबो 1/4 बीवी के लिए है, तो 12 का 1/4 3 होता, 3 × 4 = 12। सुदुस माह के लिए है, 12 का 6 हिस्सा 2 है, 2 × 6 = 12 है। सोलोसान 2 बहनों के लिए है, समझ रहे हैं, तो 12 का 1 सलूस 4 होता तो 2 सलूस 8 होगा। 1 सलूस किसके लिए है, 2 अख्याफी बहन के लिए है, तो 12 का 1 सलूस 4 होता तो हो गए 3 × 5 = 8 13 × 4 = 17 4 × 8 = 12 2 × 14 = 15 16 = 17, ये ऑल हो गया 17 से, गोया कि अब हमारा मसला 17 से बना। तो क्या देखा आपने, क्या मुझे समझाना है कि मखरज के ताल्लुक से चौथा कानून ये है कि नौए अव्वल करो वो नौए सानी के कुल के साथ जमा हो तो मसले का मखरज 12 होगा। कुल के साथ आपने देख लिया, अब बास के साथ देख लीजिए, बास के साथ जमा हो तो भी मसले का मखरज क्या रहेगा,
तो भी मसले का मखरज क्या रहेगा? 12 ही रहेगा। देखिए यहाँ नवे अव्वल को रुबो नवे सानी के बास के साथ जमा है, तो मसले का मखरज 12 ही होगा। इसको रुबो दिया हमने, इसको सदुस दिया, इसको सुलुस दिया, 8 2 10 10 3 13 ऑल होकर के 13 हो गया, ऑल होकर 13 हो गया। तो समझ में आया कि नवे अव्वल को रुबो नवे सानी के कुल के साथ, नवे सानी के कुल के साथ या नवे सानी के बास के साथ जमा हो तो ऐसी सूरत में मसले का मखरज 12 होता, ये आप समझ गए होंगे। अब हम पांचवे और आखिरी कानून की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम देखते हैं जवजा के लिए क्या औलाद की मौजूदगी में सुमुन है, ये आप पढ़ चुके हैं, मैं इसको नहीं बताऊंगा। दो बनात के लिए क्या है, दो सुलुस, ये भी पढ़ चुके हैं आप। माँ के लिए क्या है, सुदुस, ये भी आप पढ़ चुके हैं। चचा क्या है, असबा। तो इस मसले में क्या है, नवे अव्वल का रुबो सुमुन, नवे अव्वल का नवे अव्वल, नवे अव्वल का समून है, नवे सानी ये है, नवे सानी, तो नवे अव्वल का समून नवे सानी के साथ जमा है। तो नवे अव्वल का समून नवे सानी के कुल के साथ या बास के साथ जमा हो तो ऐसी सूरत में मसले का मखरज 24 होगा, ऐसी सूरत में मसले का मखरज 24 होगा। ये पांचवा कानून है क्या, कि नवे अव्वल का समून नवे सानी के कुल या बास के साथ जमा हो तो मसले का मखरज 24 होगा। ये पांचवा और आखिरी कानून है। तो अब 24 से ये मसला बना, 24 का आठवां हिस्सा कितना होगा, 3 8 24 3। 24 का दो सोलूस कितना होगा, 8 2 16 8 3 24 16 16। तो दो बेटियों को कितना मिल रहा है, 16 मिल रहा है। 24 का सदुस कितना होगा, 4 4 6 24, सबको जोड़ लिया हमने, 16 4 20 3 23, बचा हुआ एक असबा को जाएगा। तम्मत दर्स अल्यौम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।